नमस्कार, अभय न्यूज परिवार की ओर से हमारे प्रिय दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आज 30 अगस्त के बुलेटिन में आपको रूबरू करवाएंगे शहर की हर बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रक्षाबंधन पर सिटी बस में फ्री सफर की सौगात। बाइक से आए चोर बुलेट ले उड़े। घर के बाहर खड़ी ऑटो में लगाई आग। मैजिक चालक और ई रिक्शा चालक में घमासान। युवक को पेट में चाकू घोंपे। घर के बाहर से चुरा ले गया टवेरा। जेल में बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। भगवान महाकाल को सबसे पहले बंधी राखी। रक्षाबंधन पर्व को यादगार बनाने के लिए नगर निगम ने बुधवार को महिलाओं को सिटी बसों में मुफ्त सफर करवाया। इस दौरान विभिन्न रूटों पर चलने वाली 14 बसों में आने और जाने के लिए महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया गया। दरअसल रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उनके घर जाती है। ऐसे में उन्हें आर्थिक राहत देने के लिए नगर निगम की ओर से यह तोहफा दिया गया। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर यह उपहार पाकर महिलाएं भी बेहद खुश दिखाई दी। उन्होंने नगर निगम के इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे फ्री सेवा देख के, और मैं महापौर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कहाँ से कहाँ सफर कर रहे हैं आप? मैं आगर से आई हूँ, अभी नानाखेड़ा जाऊंगी, इंदौर जाऊंगी। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारे द्वारा जो संचालित 14 बसें हैं, उन सारी बसों को हमारे उज्जैन की बहनों के लिए रक्षाबंधन के लिए निःशुल्क होंगी। इन बसों के माध्यम से हमारे संपूर्ण उज्जैन शहर में या हमारे सारे ज़िले में जहाँ जहाँ पर हमारी बसें संचालित हैं, उन संचालित मार्गों पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारी बहनें निःशुल्क हमारी उज्जैन नगर की बसों में यात्रा कर सकती हैं, अपने भाइयों को जाकर के रक्षाबंधन करे, राखी बांधे, अपने परिवार से मिले। इन सब के लिए हम निशुल्क रक्षाबंधन पर ये बसों का संचालन करेंगे। जय श्री महाकाल, सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिमनगंज थाना अंतर्गत मोहन नगर से बाइक पर आए अज्ञात वाहन चोर घर के बाहर खड़ी बुलेट चुरा ले गए। फरियादी सुमित शर्मा ने बताया कि वारदात बुधवार अल सुबह करीब 4 बजे हुई। बाइक पर 3 बदमाश आए और घर से कुछ दूर अपनी बाइक खड़ी की। इसके बाद उनमें से एक बदमाश बुलेट का लॉक तोड़कर अपने एक अन्य साथी की मदद से धक्का लगाते हुए ले गया। सुमित ने जब सुबह उठकर देखा तो बुलेट नहीं मिली। आसपास खंगाला लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद घर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो चोर वारदात करते हुए नजर आए। फरियादी ने चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सुमित ने बताया कि वे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और 1 महीने पहले ही 2,65,000 रुपए में उन्होंने बुलेट खरीदी थी। अभी घर के बाहर रात को मैं 10 बजे आसपास मैंने गाड़ी खड़ी करी थी। फिर उसके बाद मैं सुबह सुबह जैसे ही मैं जल्दी उठा जिम जाने के लिए, मुझे जिम जाना था, तो उसके लिए मैं जाने के लिए देखा तो मेरे घर के बाहर गाड़ी नहीं थी। पूछताछ करा, देखा, कैमरे में देखा तो 3 लड़के उधर पूरब की साइड से आए और आके वहाँ पे गाड़ी दूर उन्होंने खड़ी करी। उसमें से 3 लड़के उधर उतरे, गली के कुत्ते वगैरह कुछ कोई खिलाया, और यहाँ आने के बाद में घर के बाहर आके उसने एक लड़के ने अपने पेड़ से वो ताला तोड़ा उसका और गाड़ी लेके पैदल करके चले गए। यहाँ से गाड़ी कौन सी थी? बुलेट क्लासिक 350 थी मेरी। अभी 1 महीना ही हुआ उसको लिए को, मगर नई की नई गाड़ी थी पूरी। नीलगंगा क्षेत्र स्थित राजीव रत्न मल्टी निवासी शफीक अली के घर के बाहर खड़ी उसकी किराए की ऑटो में मंगलवार रात अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग के कारण ऑटो की पिछली सीट और हुड जल गया, जिससे करीब 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। शफीक ने बताया कि वह वजीर पार्क कॉलोनी निवासी जावेद की ऑटो किराए पर चलाता है। मंगलवार शाम 7:30 बजे वह घर के बाहर ऑटो खड़ी कर सो गया। बुधवार सुबह 7:30 बजे उठकर देखा तो ऑटो जली हुई खड़ी थी। फरियादी ने शंका जताई है कि जावेद का सत्यम, रवि, दीपक और बारिक से विवाह चल रहा है, इन्हीं लोगों ने ऑटो में आग लगाई है। फरियादी शफीक अली ने नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मेरे सेठ के इनके पुराने विवाद चल रहा, सत्यन, रवि, गोलू और इन लोगों चल रहा है विवाद, बारिक के इनके। इस पीछे गाड़ी में पहले भी आग लगा चुके हैं इसी गाड़ी में, और अभी भी ये गाड़ी में उन लोगों ने आग लगाई है।
कैसे हुई थी, कब आए थे रात में? मैं रात को 7 बजे करीब आया था यहाँ पर, 7:30 बजे। और मैं सो रहा था मैं घर में, मैं 24 घंटे गाड़ी चल रही थी, यहाँ के सो गया, मेरी नींद नहीं खुली और इस गाड़ी में आग लगा। तब आपको मालूम पड़ा था? मेरे को सुबह 7:30 बजे देखा मैंने इस गाड़ी में। क्या कुछ जला, कैसे लगी आग? ये कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है वो दिखी, मैं पेट्रोल डाल के आग लगाई इसमें, ऐसे तो कुछ जल नहीं सकती है, पेट्रोल डाल के आग लगाई इसमें। कितना नुकसान हुआ? ये करीबन हुआ 10-11 हजार रुपए का नुकसान हुआ, 10-12 हजार रुपए। सवारियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर विवाद अक्सर सामने आते हैं। एक बार फिर माल गोदाम के बाहर मैजिक चालक और ई रिक्शा चालक भिड़ गए। देखते ही देखते गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। सानुपुर को चकमा रेवासी बेगम बाग, ठीक है, 27 अपराध, बेगम बाग 7 साल। हालांकि यह कब का है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। वीडियो में डंडा लेकर खड़ा शख्स ई रिक्शा चालक शाहरुख उर्फ चकमा निवासी बेगमबाग कॉलोनी है। 29 अगस्त की रात 11:30 बजे शाहरुख को नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सावरा खेड़ी ब्रिज से 21,000 रुपए कीमत की 300 क्वार्टर अवैध शराब ई रिक्शा से परिवहन करते हुए साथी अमजद खान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहरुख नशे का आदी है। आरोपियों को बुधवार दोपहर नीलगंगा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर, और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए विग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषि नगर उज्जैन। अभी कॉन्टेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। बुधवार को राजीव रत्न मल्टी में रहने वाले 25 वर्षीय अर्जुन माली को 2 बदमाशों ने पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया। उसे चाकू के 3 वार लगे। घायल अर्जुन ने बताया कि उसे सद्दाम और आसिफ नामक युवक ने चाकू मारे हैं। घटना स्थल हरि फाटक ब्रिज के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। मामले को लेकर नीलगंगा और महाकाल थाना पुलिस घटना स्थल सर्च कर रही है। इधर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के चलते अर्जुन को परिजन इंदौर ले गए। राजीव नगर आगर रोड में रहने वाले रेलवे के रिटायर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशोक रायकवार के तवेरा घर के बाहर से अज्ञात चोर चुरा ले गए। उन्होंने चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रायकवार ने बताया कि 3 अगस्त को उन्होंने 2,30,000 में ओम प्रकाश मीणा से तवेरा खरीदी थी। इसके लिए 2,00,000 रुपए दे चुके थे और NOC देने के बाद 30,000 रुपए देने की बात कही थी। 28 अगस्त की रात घर के बाहर तवेरा खड़ी हुई थी, लेकिन जब 29 अगस्त को सुबह देखा तो गाड़ी नहीं थी। अशोक रायकवार ने आसपास काफी ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद चिमनगंज पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसके बाद में हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी, घर के सामने खड़ी थी, और वो जो भी रहते गाड़ी हमको वापिस दे दो, ओम प्रकाश मीणा, पर मैंने गाड़ी देने के लिए मना कर दिया था उनको वापिस, पर हमने कहा आप तो NOC दे देना, हमको गाड़ी नहीं देना। और हमने हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद में दूसरे दिन वो गाड़ी घर से कोई चोरी करके ले गया। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बुधवार को बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। सूनी कलाई पर राखी बंधने से बंदी भाइयों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। राखी बांधकर बाहर आई बहनों ने व्यवस्थाओं की सराहना की और जेल प्रशासन का आभार जताया। दरअसल रक्षा बंधन पर बहनों को अपने भाइयों से मिलने की इजाजत दी गई। सुबह 8 से दोपहर 2 तक रक्षा बंधन पर्व मनाया गया। मुलाकात की समय सीमा 15 मिनट होने से इसी दौरान बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर पर्व की खुशियां मनाई।
इधर मुलाकात से पहले महिला स्टाफ ने उनकी तलाशी ली। महिलाएं केवल राखी और नारियल लेकर आई थी। जेल प्रशासन ने उन्हें थाली, मिठाई, कुमकुम उपलब्ध करवाया। इस दौरान झोला, बैग, पर्स, नगद, रुपए, मोबाइल और बाहर से निर्मित खाद्य सामग्री को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। हम हमारे पापा को राखी बांधने आए यहाँ पे जेल में। कैसा अनुभव हुआ आपको राखी बांधने? अच्छा लगा। दो साल में सही साठ मुलाकात हुई हमारे राखी पे, पहले नहीं होती, लेकिन अब अच्छा लगा। किस प्रकार की व्यवस्था आपके लिए? बढ़िया है अभी तो। आज रक्षाबंधन है, बहनों का भाइयों के प्रति प्रेम और राखी बांधना है, उसके लिए हम प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हुई है और पूरी तरह से सुरक्षित है और महिलाएं राखी बांध रही हैं। बंदे सर कब से, कितनी बजे शुरू हुआ रक्षाबंधन? ये हमने लगभग 8 बजे से स्टार्ट कर दिया था, लगभग 2 या 3 बजे तक मुलाकात चलेगी और लगभग सभी बहनें जो आएंगी सभी के लिए राखी बनाई जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।